इंसदादे मंशियात अदालत ने 14 किलो हीरोइन स्मगलिंग केस में मुलविस मुलजिम मोहम्मद अमीन को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद सकलैन जावेद से। जी मोहम्मद सकलैन जावेद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। मंशियात अदालत के जज मसूद अरशद ने 10 किलो हीरोइन केस में मुलविस मुलजिम मोहम्मद अमीन को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुलजम को 1,90,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदम अदाई की जुर्माना की सूरत में मुलजम को 6 माह मजीद कैद की सजा भुगतना होगी। ANF हुकाम की तरफ से अदालत को बताया गया कि मुलजम कैंट लाहौर का रिहायशी और खुफिया इतला मिली थी कि वो मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। इसी सिलसिले में उसकी खुफिया निगरानी जारी थी कि एक रोज वो मोटरसाइकिल पर मंशियात की भारी तदाद लेकर वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहा था, जिस पर उसको नाका लगाकर गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से 10 किलो हीरोइन बरामद हुई, जिस पर फरवरी 2016 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज अदालत ने उनको इस केस को सुनने के बाद गवाहान के बयान और रिकॉर्ड को देखने के बाद मुलजम को 14 साल कैद बामुशक्कत और 1,90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सकलैन जावेद आपका।